मुरैना एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बानमोर थाना प्रभारी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कस्बे में संचालित हेमंत लोधी के आरओ प्लांट में अवैध शराब बनाने का काम किया जा रहा है। इसी सूचना पर थाना प्रभारी ने साइबर क्राइम और अपनी टीम के साथ आरओ प्लांट में छापा मारा। प्लांट के अंदर सर्चिंग करते हुए पुलिस छत पर पहुंची तो यहाँ पर 6 लोग अवैध शराब बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस को देखते ही उनमें भगदड़ मच गई। जवानों ने पीछा करते हुए 5 लोगों को दबोच लिया। हालांकि इस दौरान एक आरोपी पुलिस की पकड़ से भाग गया। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे में लेने के बाद तलाशी ली तो मौके पर 3 ड्रमों में 600 लीटर ओपी, 12 पेटी सफेद और 3 पेटी लाल देशी शराब जब्त की। खाली पोए, ढक्कन शील, पैकिंग मशीन और गत्ते के कार्टून मिले। पुलिस बरामद माल को लोडिंग वाहन में भरकर आरोपियों के साथ थाने लाई। यहां पर तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया गया। एसपी के अनुसार पूछताछ के दौरान पता चला कि पकड़े गए आरोपियों में 2 यूपी के ओरेया और इटावा जिले के रहने वाले हैं। इसके अलावा 3 आरोपी लोकल के ही रहने वाले हैं। पुलिस पड़ताल में पता चला कि लोकल के तस्करों में से सिकरोदा गांव निवासी आरोपी शनि सिकरवार ओपी का बड़ा सप्लायर है। इसका नाम शेरा व भिंड में जहरीली शराब से हुई मौतों में भी सामने आया था। उसके खिलाफ पूर्व में भी अलग अलग थानों में मामले दर्ज है। आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही सेटअप स्थापित किया था। रविवार की सुबह उन्होंने फैक्ट्री में अवैध शराब बनाने का काम शुरू किया था। बीती रात पुलिस ने छापा मारकर दबोच लिया। पुलिस भागने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। देखिए, जैसा आप सभी की जानकारी में है कि कुछ ही समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जगह पुलिस जो है वो कंटिन्यूस कार्रवाइयाँ कर रही है। पिछले कुछ समय में अपील के माध्यम से भी जनता से ये अपील की गई थी, यदि किसी को ऐसी कोई अवैध गतिविधि के संबंध में कोई जानकारी है तो वो पुलिस को गोपनीय रूप से उसके बारे में सूचना दे सकते हैं। इसी तारतम्य में जो पुलिस को एक जानकारी मिली थी, जिसको जब पुलिस ने डेवलप किया तो बामौर थाना क्षेत्र में एक आरओ फैक्ट्री की आड़ में चल रही एक अवैध शराब की फैक्ट्री को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। इसमें मौके पर जब पुलिस ने सूचना को डेवलप करके दबिश दी तो वहाँ पे 5 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया और मौके पर करीब 600 लीटर जो ओवर प्रूफ एल्कोहल ओपी होती है वो पुलिस को मिली और उस ओपी और जो ओपी थी जिसके सहयोग से उन्होंने करीब 229 लीटर की जो शराब बनाई थी तो वो शराब भी पुलिस को मौके पर से मिल गई। ऐसे कुल 629 लीटर पुलिस ने वहाँ मौके पर शराब जब्त की। इसके साथ साथ जो पैकिंग मटेरियल था, खाली बॉटल्स थी, ढक्कन, लेबल और इसके साथ साथ बारदाने वगैरह ये सब भी पुलिस को मौके पर मिला, तो कुल मशरूब का करीब 3 लाख रुपए का पुलिस ने मौके पर से जब्त किया। इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें से कुछ एक का जो है पूर्व का भी रिकॉर्ड है। पूर्व में भिंड में रौन में भी एक शराब कांड हुआ था जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, उसका भी एक आरोपी है जिसको हम लोगों ने मौके पर से पकड़ा है और इनसे अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने इसमें जो ओपी जहाँ से आती है उस रूट को भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और जो लोग इसमें सप्लाई करने में लगे हुए हैं उनकी भी हमें जानकारी मिली है। इस सूचना को और डेवलप करके उनके ऊपर भी हम लोग आने वाले वक्त में कार्रवाई करेंगे और ओपी का जो ये नेटवर्क है उसको पता लगाकर इसको पूरी तरह से इसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। साथ ही साथ जो आरोपी पकड़े गए हैं उन पे जो पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई है वो भी की जाएगी और ये मैसेज बिल्कुल क्लियर जाएगा कि कोई भी इस तरह की यदि कार्रवाई इस थाना हमारे क्षेत्र में होगी तो उसको उसका सख्ती से उससे निपटा जाएगा। अभी ये मेरी जानकारी भी नहीं है, इसको दिखवा लेंगे, बाकी परिजन होने से देखते हैं उसमें क्या इशू आता है। देखिए, अभी डायरेक्टली तो ऐसा लिंक नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि ये चेन है और इस चेन में अभी और भी आरोपी हैं जो अभी हमारी गिरफ्त में नहीं है, उनके पकड़े जाने के उपरांत ही ये क्लियर हो सकता है। क्योंकि हालांकि एक आरोपी है जिसका जो भिंड में कांड हुआ था उससे जिसके सीधे तार जुड़े थे और उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी, तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कन्फर्म हम तभी कह पाएंगे जब जो आगे लिंक में जो सप्लायर्स हैं उनको जब पकड़ेंगे तभी क्लियर होगा कि इनका यहाँ के अन्य किसी पूर्व के कांड में कोई संलिप्तता रही है कि नहीं। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।